नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें शनिवार के दिन खरीद कर घर में कभी नहीं लेकर आना चाहिए। हिंदू धर्म में दोस्तों शनिवार के दिन का बहुत महत्व है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन का स्वामी सूर्यपुत्र शनिदेव को माना गया है। शनिदेव को सभी नौ ग्रहों में से सबसे खतरनाक माना जाता है। सभी नौ ग्रहों में से शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रकोप से सब लोग डरते हैं। इन्हें खुश करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से शनिवार के दिन कुछ विशेष चीज़ें कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें शनि ग्रह से संबंधित होती हैं। इसलिए इस दिन इन चीज़ों को घर में लेकर आना अशुभ माना जाता है। इस दिन इन चीज़ों को घर में लेकर आने से घर के सदस्यों को कई प्रकार की असफलताओं और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और यह चीज़ें घर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शनिवार के दिन खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शनिवार के दिन खरीद कर घर में कभी नहीं लेकर आना चाहिए। शनिवार के दिन दोस्तों किसी भी प्रकार के लोहे का नया सामान या लोहा घर में कभी नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोहा खरीद कर घर में लेकर आना बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि ज्योतिष के अनुसार लोहा शनि की धातु है। इसलिए शनिवार को लोहा घर में लेकर आने से घर में शनि का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे घर के सदस्यों को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण दोस्तों, इस दिन घर में कोई भी लोहे की नई वस्तु या चीज़ लेकर आना शुभ नहीं माना जाता। शनिवार के दिन दोस्तों बैंगन, काली उड़द, काली मिर्च और काले तिल आदि चीज़ों को खरीदने से भी हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से भी घर में नकारात्मकता बढ़ती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि यह चीज़ें भी शनि ग्रह से संबंधित होती हैं। इस दिन इन चीज़ों को खरीदने के संबंध में ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन चीज़ों को खरीद कर घर में लाना मतलब शनिदेव को अपने घर पर बुलाना होता है। इसलिए इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर के सदस्यों के काम बिगड़ने का डर रहता है और उनके कामों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन इन चीज़ों को भी कभी नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद कर घर में कभी नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस दिन इस सामान को घर में लेकर आने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण घर के सदस्यों को अचानक ही दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, शनिवार का दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। शनिवार के दिन दोस्तों काले रंग के कपड़े भी कभी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके घर में शनि का प्रवेश हो सकता है, जिससे घर में तनाव, झगड़े और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आपको काले रंग के जूते भी कभी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इस दिन खरीदे गए काले रंग के जूते पहनने से भी आपको हर काम में असफलता मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन काले रंग के कपड़े और जूते भी कभी नहीं खरीदने चाहिए। शनिवार के दिन दोस्तों कैंची भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन कैंची खरीदने से घर के सदस्यों के आपसी रिश्तों में तनाव आ सकता है और इससे परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े का माहौल भी बनता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस दिन कैंची भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार के दिन दोस्तों घर की रसोई के लिए कोई भी ईंधन जैसे लकड़ी, माचिस, कैरोसिन या कोयला आदि जलाने योग्य पदार्थ भी कभी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि शनिवार को घर में लाया गया ईंधन परिवार के सदस्यों को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों, शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का ईंधन खरीदना भी वर्जित है। शनिवार के दिन दोस्तों लकड़ी का फर्नीचर या कोई भी अन्य लकड़ी का सामान भी कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन लकड़ी का सामान खरीद कर घर में लेकर आने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन लकड़ी का सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों शनिवार के दिन नमक भी कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन नमक खरीदने से घर के लोगों पर कर चढ़ने या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन नमक को घर में लेकर आता है तो समझ लीजिए वो अपने घर में कर्ज को लेकर आता है, यानी कि उस पर कर्जा उधार चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों शनिवार के दिन नमक को खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन खरीदा गया नमक घर के लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, यह भी घर में बीमारियां ला सकता है। इसलिए दोस्तों बेहतर होगा कि आप नमक शनिवार के दिन की बजाय किसी और दिन ही खरीदें। शनिवार के दिन दोस्तों खाने
या फिर सिर पर लगाने के लिए सरसों का तेल भी कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी भी प्रकार के तेल को खरीद कर घर में लेकर आना बहुत अशुभ माना जाता है। इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि इस दिन तेल खरीद कर घर में लेकर आने से घर में शनि का नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे घर के सदस्यों को कष्ट और बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको शनिवार के दिन सरसों या किसी भी अन्य प्रकार के तेल को खरीदने से भी हमेशा बचना चाहिए। शनिवार के दिन दोस्तों पेन और स्याही की दवात भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन खरीदे गए पेन और स्याही के प्रयोग से भी व्यक्ति अपयश की ओर बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, शनिवार के दिन पेन और स्याही भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी चीज़ जैसे पेन, कापी या स्याही की दवात आदि खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा गुरुवार का दिन चुनना चाहिए, क्योंकि इस दिन इन चीज़ों को खरीदना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन दोस्तों अनाज पीसने के लिए चक्की भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चक्की परिवार में तनाव लाती है और इसके आटे से बना भोजन भी घर के सदस्यों के लिए रोगकारी होता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन अनाज पीसने के लिए चक्की भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।